घर से पहुंचकर अभी हम लोग पूरा बोध गया तक पहुंचा, रूम भी ले लिया सभी लोग, हम लोग फ्रेश भी हो गए। अब हम लोग रात के बहुत ज़्यादा देर बज गया लमसम, तो अब लोग हम लोग सोएंगे। उसके बाद कल बोध गया मंदिर पहले घूमेंगे मॉर्निंग में, उसके बाद फिर जहाँ का प्लानिंग होगा हम लोग घूमते हुए रिटर्न करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में इसमें। हाय गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो अभी मॉर्निंग हो रहा है, अभी हम लोग गया में हैं। गौतम बुद्ध के नज़दीक ही हम लोग एक होटल में रुके थे, खुशबू होटल था। तो अभी सवेरे का नज़रदार देखिए किस प्रकार है। तो हम लोग स्नान स्नान करके पूरा रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे मंदिर घूमने के लिए, बौद्ध मंदिर। सवेरे का नज़ारा देखिए, अभी भीड़ कम है, कम से कम 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ भी। पूरा मंदिर घूमने के लिए ई रिक्शा में बैठ गए हैं, हम लोग बैठ रहे हैं। चलेंगे और पूरा मंदिर बोध गया का जितना भी मंदिर है वो हमारे रिक्शा वाले भैया आइए 5 मिनट, 1 घंटा से ऊपर का टाइम है, 5 मिनट आइए ना, इधर आइए। तो एक साइड पतला पतला बैठ जाइए, एक साइड मोट मोट बैठिए, हो जाएगा यही में आगे पीछे हो बैठ जाएंगे, हो गया। फिर डॉक्टर साहब आप पसरो, खाना उन्हें खिलाने में थोड़ा कमीशन मिलता है, खाना उन्हें खिलाने में मिलता है, हाँ 100 बजा से मिल जाता है। मंदिर के प्रांगण तक जाने के लिए हम लोग ई रिक्शा किए हैं और हम लोग हैं और यहाँ से ई रिक्शा से चल रहे हैं। 3 घंटा 4.5 घंटा वाला यह जो है महाबोधि चाइनीज टेम्पल, जो आप देख रहे हैं यह क्या है कि महाबोधि चाइनीज टेम्पल है। अभी हम लोग पहुंच गए हुए हैं बुद्धिज्म जो चाइनीज टेम्पल है यहाँ बोध गया में, उसी के प्रांगण में हम लोग। और देखिए पूरा जो है चाइनीज जितना भी वर्ड भी लिखा हुआ है उस चाइनीज में भी लिखा हुआ है। और आगे हम आपको पूरा वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। भगवान बुद्ध का मंदिर यही है, महाबोधि चाइनीज मंदिर के अंदर बुद्ध भगवान का 3 फोटो लगाया गया है। अरे बना क्या चीज़ से होगा, देखिए पूरा चाइनीज वर्ड में ही लिखा गया हुआ है। कमल का फूल देख रहे हैं, कमल का फूल बूटा थाई बुद्ध गया यह मंदिर है बौद्ध भगवान का। भगवान बौद्ध का बूटा थाई मंदिर जो है, अभी यह एंट्री द्वार है, इसके थ्रू एंट्री होता है। और देखिए अंदर का यही है सीन, देखिए लिखा हुआ है कृपया जूता चप्पल यहाँ खोले, यहाँ पर जूता चप्पल खोल करके ही जाना है अंदर। बहुत ही भव्य भगवान बुद्ध का यह मंदिर है, इसमें बहुत विशाल बड़ा भव्य जो है वह मंदिर का, भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा इसमें प्रतिमा लगाया गया है जो आपको दिखाएगा वीडियो के माध्यम से। और ये पुराने जमाना में तो किस तरह ढंग से बनाया गया, इसका ढांचा एकदम यूनिक ढांचा है। देखिए कितना यूनिक इसको बनाया गया है भगवान बुद्ध का।
प्रतिमा। यह अंदर का लुकिंग है भगवान बुद्ध का। आप डोनेट करते हैं किस किस फंड में डोनेट करना चाहिए, जैसे गरीबों के लिए देना है, गरीबों के अंतिम संस्कार का अगर फंड डोनेशन करना है तो इसमें कीजिए। किसी के जलाओ, जरूरतमंदों के जलाओ लकड़ी के लिए है तो इसमें दान करें। विद्युत भुगतान के लिए, जलापूर्ति के लिए इसमें करें। धार्मिक कोई बुक वुक के लिए है तो इसमें आपको करना पड़ेगा। अगर कोई को जीवन के सताई मजबूती लाना है तो इसमें डोनेशन। सभी डोनेशन का है जो अपना अपना अलग अलग बनाया गया। भगवान बुद्ध का प्रतिमा सबसे बड़ा एवं भव्य है। इसी के अंदर एकदम शांति रहता है, एकदम इस जो हॉल है वो बहुत ही शांत है। तो कोई या भगवान का प्रतिमा भगवान बुद्ध का। यह हॉल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसमें हवादार है, कोई फैन इसमें नहीं लगा है, लेकिन एकदम ठंडा है। इस प्रकार डिजाइन है, एकदम यूनिक डिजाइन है इसका। और सबसे बड़ा मूर्ति जो बुद्ध गया में लगाया गया है भगवान बुद्ध का, यही प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे सभी चीज़ है डोनेशन के लिए। हर डोनेशन के लिए अलग अलग रखा गया है, जैसे किसी को आपको बुक के लिए, कभी किसी को विद्युत भुगतान के लिए, सब जलावन के लिए, सब के लिए यहीं पे। बहुत ही शांत एरिया है, आप एक बार जरूर इसमें विजिट कीजिए। यहाँ एकदम शांति, भगवान बुद्ध शांति का भी प्रतीक है वास्तव में है भी। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। तो इस ब्लॉग में बने रहिए। भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ है और बहुत ही शांति, एकदम पूरा अशोक का पेड़ सब लगा हुआ है। देख रहे हैं आप आगे चलते चलते आप देखिएगा कि एक बहुत जो है स्टैचू जो है बुद्ध भगवान का यहाँ पे लगा हुआ है। और साइड साइड में जो है भगवान बुद्ध का प्रतिमा इतना विशाल, अभी हमको लगता है कि सबसे बड़ा इतना बड़ा विशाल जो है यहीं पे हो सकता है, बोध गया में ही और अपना बिहार में ही लग रहा है जिस प्रकार का है। यहाँ पे बुद्ध भगवान का बहुत ही यूनिक, या भगवान बुद्ध का प्रतिमा। और इसके बगल में बहुत ही अच्छा पार्क का भी एरिया है जो आप देख रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे हम चारों तरफ इसका, जिस पर प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू गुजरात में है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध का यहाँ है। देखिए साइड से पार्किंग, सभी सब एरिया जो है पार्किंग का एरिया है। ये दाइजोक्यो बुद्ध मंदिर है, यहाँ बुद्धों का ही मंदिर है पूरा, और सबका डिजाइन है जापान के द्वारा इसको बनाया गया है। जापान में ही बुद्ध का पूजा होता है, तो जापान के द्वारा इसको जापान डिजाइन में बनाया गया हुआ। बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, जापानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मंदिर का नाम। और यहाँ पे देखिए इसी प्रकार का पूरा मंदिर है बौद्ध भगवान का। मंदिर के ऊपर देखने पे इसी प्रकार है, देखिए बौद्ध भगवान का कर्मा टेम्पल है। इसमें कर्मा टेम्पल का यही है मंदिर।
विश्वकर्मा मंदिर का पूरा पार्किंग एरिया है, शेर का, भगवान बुद्ध का मंदिर, कर्मा मंदिर है ये जो आप देख रहे हैं, या कर्मा मंदिर भगवान बुद्ध का। कर्मा मंदिर के अंदर यह हमेशा जलता रहता है दीपक बौद्ध भगवान का, ये इस प्रकार जलता रहता है हमेशा। कर्मा मंदिर में खास बात है कि दीपक हमेशा जलता रहता है। व्हाइट मंदिर यही है, बहुत भयानक व्हाइट मंदिर है, आपको दिखा रहे हैं। एकदम झलक रहा है, एक बार आप जरूर राजगीर बोध गया में आइए। हम लोग आ चुके हैं महाबुद्ध महाविहार टेंपल, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। और यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाना सबसे बड़ी बात है कि बंद है, मोबाइल अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। मोबाइल साइड में बगल में कैमरा मोबाइल ये सब जमा होता है यहाँ पे। अभी हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बारिश होने लगी है, इसीलिए देखिए सब अभी स्टे कर रहा है यहाँ पे। अंदर भी मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है।